इस देश में ठगी एक सांस्कृतिक व्यवस्था है। आते बहुत सारे और एक से एक, मतलब आठ है भाई साहब लिखे, आठ। कभी कभी तुम बाजार में देखोगे ना, तीन चार साधु टहल रहे हैं, बेटा एक रुपए दे दे, और तुम अगर रुक गए एक रुपए देने, अरे तो तुम फंसे फिर। वो पता नहीं क्या आठ जानते, कहेंगे ये एक रुपए वापस रख ले, मुट्ठी बंद कर ले। फिर कॉल, तुमने देखा 100 रुपया निकल आया, अब कुछ संकल्प कर ले कितना पैसा है तेरे जेब में। बाबा मेरे जेब में तो 2 करोड़ रुपया। और जब एक आदमी से तुम इस तरह से झेले, तो अगली बार अगर कोई सही भी आदमी मांग रहा है तो तुम्हारे देने की इच्छा मर जाती है। ऐसा एक लड़का मुझसे आया, कहा बहुत गरीब घर के हैं, और फीस डिस्काउंट करवा दीजिए सर। 4-5 साल पहले की बात। मैंने कहा अच्छा, बेचारा पहना हुआ था कपड़ा, हम देखे कपड़ा उपड़ा चप्पल उप्पल पहने, तो मैं लगा वाकई में गरीब घर के। सर हम गरीब हैं सर, हम पढ़ नहीं सकते, हम जब पैसा होगा तो सर लाख दे देंगे। हम डिस्काउंट करा दिए, अच्छा खासा डिस्काउंट करा दिया भाई साहब। वो भूल गया कि मैंने डिस्काउंट करवाया। और फिर क्लास में आया 15-20 दिन बाद एयर मैक्स का जूता पहन के 22,000 का। फिर मैंने उसे कहा कि मिल के जाना, तो उसको वहां फील हो गया कि यार बॉस पकड़ गया आज। तो मैंने 2 आदमी लगा दिए कि इसको निकलने ना पाए किसी भी कीमत पे। फिर पता लगा जूता उतार चेंज करके आ गया, चप्पल पहन के आया। अरे सर हमको जूता उतार दो, ये यहां रख दो, और तुम्हारी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोग मार खाते हैं। जैसे शहरों में जब तुम रहते हो तो तुम्हारी भावनाएं मर जाती हैं, शहर के लोगों की भावनाएं कम होती, क्योंकि वो ठगे जाते हैं ना ऐसे। जैसे कोई रेड क्रॉस पे क्रॉसिंग पे औरत खड़ी है प्रेग्नेंट, 2 औरतों ने उसे पकड़ रखा, भैया उसको बच्चा होने जा रहा, भैया ये मर जाएगी, तुम तुरंत निकाल के 2-4 हज़ार रुपये की। फिर पता लगा 20-25 दिन बाद वो तुम्हें किसी और जगह मिल गई, अब की बार औरत बदल गई, बाकी दोनों साथ में है कि भैया अभी इसको होने वाला है। तो कहते ना शहर के लोगों की भावना कम होती है, ऐसा नहीं है, उनकी भावनाएं कई बार टूटती हैं।